नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बड़ी खबर इस वक्त की। यूपी लाया जा रहा है बाहुबली माफिया अतीक अहमद। भारी सुरक्षा के बीच प्रयागराज आ रहा है अतीक अहमद। सड़क मार्ग के जरिए प्रयागराज लाया जा रहा है अतीक अहमद को, क्योंकि 28 मार्च को प्रयागराज कोर्ट में अतीक की पेशी होगी। प्रयागराज एमपी एमएलसी कोर्ट में पेशी है अतीक अहमद की। और उमेश पाल किडनैपिंग और 100 से ज्यादा एफआईआर मामले में अतीक अहमद की पेशी होनी है, और इसीलिए 28 मार्च को प्रयागराज कोर्ट में उसे पेश किया जाएगा। और आज साबरमती सेंट्रल जेल से अतीक अहमद निकला और सीधे उसे कैदी गाड़ी में बिठाया गया और यहां से यूपी के लिए रवाना किया गया। नीरज इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। नीरज, क्योंकि साबरमती सेंट्रल जेल से तो निकल चुका, अब यूपी के लिए रवाना, क्या जानकारी मिल रही है? कितना वक्त लगेगा यूपी पहुंचने के लिए, और कोई ये भी जानकारी कि किस रास्ते से होते हुए यूपी लाया जा रहा है अतीक अहमद को? जी बिल्कुल, देखिए सुबह से ही इस बात को न्यूज़ इंडिया लगातार कह रहा था कि अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जाएगा, और उसके बाद वो बिल्कुल सच साबित हुई वो खबर, और अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जाएगा। और अगर रूट की बात करें तो अतीक अहमद को राजस्थान के रास्ते से प्रयागराज लाया जा रहा है, और इसमें तमाम जो बड़े पुलिसकर्मी हैं वो उसकी सुरक्षा में लगे हुए हैं कि कहीं कोई अनहोनी ना हो। और अतीक जैसे बाहर निकला उसने साफ तौर पर कहा कि मेरी हत्या कराई जा सकती है, मेरी हत्या कराने की साजिश है, यानी कि अतीक अहमद डरा हुआ है। और इस समय अतीक अहमद के साथ 8 गाड़ियों का काफिला चल रहा है, और वो गुजरात से राजस्थान होते हुए और फिर प्रयागराज गाड़ी आएगी, यानी उत्तर प्रदेश आएगी। और अतीक अहमद को 28 तारीख को कोर्ट में पेश होना है, और वो मामला है उमेश पाल के जो अपहरण हुआ था 2007 में, राजू पाल हत्याकांड का गवाह था उमेश पाल, और उसके बाद उमेश पाल के साथ मारपीट की गई थी, उसको उठाया गया था, अपहरण किया गया था, और इसी मामले में उमेश पाल लगातार पैरवी कर रहे थे और उसमें सजा होनी थी। तो इसी मामले में 28 तारीख को सजा का ऐलान होना है, और इसीलिए उमेश पाल की हत्या भी की गई थी कि 28 तारीख से पहले किसी न किसी तरह जो उमेश पाल है उसकी हत्या कर दी जाए और लोग डर जाएंगे। कितना वक्त लग सकता है राजस्थान से उत्तर प्रदेश आने में, क्योंकि अगर एक आकलन देखा जाए तो लगभग 15-20 घंटे से ज्यादा का वक्त लग जाएगा, कल तक पहुंचेगा अतीक अहमद, अगर एक अंदाजा एक आकलन लगाया जाए। सवाल मेरा दूसरा ये भी है कि जब अतीक अहमद यहाँ पहुंचेगा तो उसको कहाँ रखा जाएगा? जी देखिए, अतीक अहमद की जो गाड़ी है उसे वज्र वाहन में बैठाला गया है, और करीब 80 की स्पीड से वो गाड़ी लगातार चल रही है, और माना जा रहा है कि 24 से 25 घंटे लग सकते हैं, यानी कल 9 से 10 बजे के बीच अतीक अहमद प्रयागराज में होगा, उसे नैनी जेल में रखा जाएगा, और उसके बाद उसे कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। अतीक अहमद कुछ सुरक्षा को लेकर बहुत खास इंतजाम उत्तर प्रदेश की उन जगहों पर किए गए हैं जहां जहां से अतीक का वाहन गुजरेगा। कई जगह ये भी कहा गया है कि अभी पुलिस के पास कई प्लान है, वो रोड बदल सकती है, जगह बदल सकती है, क्योंकि अतीक को अपनी सुरक्षा का लगातार खतरा है, और इसके अलावा पुलिस की भी साख है कि उसको सुरक्षित किसी तरह प्रयागराज लाया जाए। अतीक और इसके अलावा अतीक के भाई अशरफ, जो कि 2007 के उमेश पाल अपहरण हत्याकांड में शामिल थे और उनको सजा सुनाई, तो यानी दोनों भाइयों को कोर्ट में पेश करना है, तो अभी अतीक और उसके बाद बरेली जेल से अशरफ को भी लाया जाएगा। नैनी जेल का जिक्र कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि इस जेल को काफी हाई सिक्योरिटी में रखा गया है, सेल आइसोलेशन सेल बनाया गया है, तो कितने सुरक्षा के इंतजाम जेल में होंगे? जी बिल्कुल, देखिए वहाँ पर इसको तन्हाई में रखा जाएगा, क्योंकि अतीक अहमद पहले भी नैनी जेल में रह चुका है, इस बात को पुलिस जानती है कि उसके वहाँ तमाम उसके जानने वाले, उसके हमदर्द तमाम वहाँ होंगे, तो इसलिए वहाँ पर तन्हाई बैरक का इंतजाम किया गया है, और तन्हाई बैरक में अतीक अहमद को कल की रात गुजारनी होगी। और ये कहा जा रहा है कि अतीक अहमद काफ़ी डरा सहमा जो वज्र वाहन है उसमें बैठा हुआ है, किसी से बात नहीं कर रहा है, और लगातार जो गाड़ी है 80 की स्पीड से उत्तर प्रदेश की ओर, प्रयागराज की ओर आती हुई चली आ रही है। और चलिए आप नजर बनाए रखिएगा, आगे जो अपडेट होगा नीरज अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।
तो माफिया अतीक अहमद प्रयागराज आ रहा है। अतीक को सड़क के रास्ते प्रयागराज लाया जा रहा है। अतीक को लाने के लिए 40 से ज्यादा पुलिस की टीम गुजरात के साबरमती जेल आज पहुंची थी। करीब 36 घंटे के गुजरात से यूपी के सफर में माफिया अतीक अहमद के पसीने छूट रहे हैं। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उमेश पाल हत्या, माफिया पर शामत। यूपी लाया जा रहा है अतीक। साबरमती से 36 घंटे का सफर। माफिया अतीक के छूटे पसीने। दहशत की कहानी काफी पुरानी। पता नहीं उनको पहले मुखर्जी जी ने फोन करके बता दिया होगा कि इस जगह पर गाड़ी। अतीक अहमद की दहशत की कहानी काफी पुरानी है। उमेश पाल मर्डर केस के बाद एक बार फिर बाहुबली अतीक अहमद का नाम चर्चा में है। आरोप है कि अतीक ने ही विधायक हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की हत्या करवाई। इस मामले में पुलिस उसके और उसके करीबियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। उमेश पाल हत्याकांड के मामले में अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ आरोपी है। अतीक अहमद गुजरात के साबरमती जेल में बंद था, तो वहीं अशरफ बरेली जेल में कैद है। यूपी पुलिस गैंगस्टर अतीक को गुजरात के साबरमती जेल से प्रयागराज ला रही है। इससे पहले यूपी पुलिस की अहमदाबाद की साबरमती जेल पहुंची। पुलिस अतीक को सड़क के रास्ते झांसी होते हुए प्रयागराज लेकर पहुंचेगी। करीब 36 घंटे समय लगने की संभावना है। एक पुराने अपहरण के मुकदमे में माननीय न्यायालय के द्वारा फैसले की तारीख 28 मार्च तय की गई है। कोर्ट के आदेश पर अभियुक्त गणों को विधिक प्रक्रिया के तहत जेल से लाकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर वापस जेल भेजा जाता है। इसी प्रक्रिया के तहत इस केस से संबंधित समस्त अभियुक्त गण को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में इस केस से संबंधित अभियुक्त माफिया अतीक अहमद को संबंधित न्यायालय के समक्ष तय तारीख पर प्रस्तुत किए जाने के लिए पुलिस की एक टीम को साबरमती जेल भेजा गया है। यूपी पुलिस अतीक को साबरमती जेल से लेकर निकली। अतीक का मेडिकल टेस्ट भी करवाया गया। उमेश पाल हत्याकांड के मामले में पूछताछ किया जाएगा। गुजरात जेल में अचानक चलाया गया था सर्च अभियान। 1700 पुलिसकर्मियों और अफसरों ने चलाया था अभियान। सबसे खास रही साबरमती जेल। इस जेल में अतीक अहमद को रखा गया था। दरअसल उमेश पाल अपहरण कांड में 28 मार्च को प्रयागराज के MP MLA कोर्ट से फैसला सुनाया जाएगा। इसके मद्देनजर अहमदाबाद जेल में बंद अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जा रहा है। माफिया अतीक की सुरक्षा को लेकर पुलिस बेहद सतर्क है। पुलिस लाइन में अतीक अहमद को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रखे जाने की तैयारी चल रही है, जिसके लिए पुलिस अफसरों ने सुरक्षा चार्ट तैयार किया है। संभावना जताई जा रही है कि जब अतीक अहमद प्रयागराज पहुंचेगा तब तक रात हो सकती है और रात होने पर उसे प्रयागराज पुलिस लाइन में रखा जाएगा। अतीक अहमद के क्राइम की कुंडली खंगालें तो पता चलता है कि अतीक के दहशत की कहानी काफी पुरानी है।
हत्या की कोशिश, किडनैपिंग के केस दर्ज। अवैध हथियारों की तस्करी में भी आरोपी। गैंगस्टर एक्ट के तहत योगी सरकार का एक्शन। हजारों करोड़ रुपए की आर्थिक चोट। राजू पाल उमेश पाल मर्डर केस में आरोपी। पूर्व सांसद, 5 बार का विधायक है आरोपी। साल 1989 में शुरू हुआ था सियासी सफर। अतीक के शार्प शूटर पर बढ़ाई इनाम की राशि। यूपी में पूर्व विधायक राजू पाल हत्याकांड में 18 साल से फरार चल रहे आरोपी और अतीक अहमद का शार्प शूटर अब्दुल कवि पर अब पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। अब्दुल कवि की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। पत्नी और बेटे पुलिस की पहुंच से दूर। उमेश पाल और उनके 2 सरकारी गनर की हत्या को महीने भर से ज्यादा बीतने के बाद भी शूटरों का कोई सुराग नहीं मिल रहा है। अतीक अहमद की पत्नी कहा कि सीएम योगी ने बता दिया होगा कि उन्हें गाड़ी कहां पलटनी है। पता नहीं उनको पहले मुख्यमंत्री जी ने फोन करके बता दिया होगा कि इस जगह पर गाड़ी पलटा देंगे। और मैंने उस समय भी कहा था कि जिस समय आप गूगल से और अमेरिका से मदद ले लोगे, आपको पता लग जाएगा कि किस समय गाड़ी पलटी है और किसने पलटाई है। ये सब डॉक्यूमेंटेड है, सैटेलाइट पे सब होगा। ये रिकॉर्ड जाने वाला नहीं है, ये गलती मत करना आप। ये 3 साल बाद 4 साल बाद भी अगर अमेरिका से निवेदन करोगे, अपील करोगे और वो निकाल के रिकॉर्ड देगा कि हर सेकंड का अगर मैप आप मैप करोगे तो आपको पता लग जाएगा गाड़ी कैसे पलटी है। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पूर्व सांसद और माफिया अतीक अहमद को अब तक हजारों करोड़ रुपए की आर्थिक चोट पहुंचाई है। योगी सरकार की कार्रवाई से जेल में बंद अतीक अहमद की कमर टूट गई है। प्रयागराज में अतीक अहमद के अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर गरीबों के घर बनाने के लिए भूमि पूजन कर चुके सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बात तो साफ कर दी है कि प्रदेश में अपराधियों और उनको संरक्षण देने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।